सिविक्स क्लास 9th का चैप्टर है थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट इनके वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग समझाए गए इसमें मैचिंग के फॉर्म में। तो सोवरेन का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के ऊपर बाहर से किसी और कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, यहाँ लोगों का राज चलता है, सीधी सी बात है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, जिसके हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट है, तो और कोई राजा नहीं है, वो उसे हमने चुना है, ठीक है। प्रेसिडेंट को हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में चुना है और प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट फॉर्म में चुनते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारा जो हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, वो एक इलेक्टेड पर्सन है, उसके लिए चुनाव हुए हैं। मतलब यहाँ पर चुनाव इनडायरेक्टली होते हैं प्रेसिडेंट के इंडिया में, और पीएम के प्रधानमंत्री के चुनाव डायरेक्टली होते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि भाईचारा, पीपल शुड हैव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सेकुलर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सारे धर्मों को समान ही मानेगा, किसी भी धर्म के फेवर में कोई काम नहीं करेगा, मतलब किसी भी धर्म को खुद प्रमोट नहीं करेगा, उसकी नज़र में सभी समान है, तो वो जब तक जाएगी तब तक ठीक ही करेगा। तो सेकुलर का मतलब ये कि सारे धर्मों की रक्षा करेगा कंट्री, पर कंट्री का खुद का धर्म कोई नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब ये कि जो हेड है वो तो नेशन है, स्टेट है, कंट्री है, वो एक इलेक्टेड पर्सन है, राजा नहीं है, राजा होता तो वो तो मोनार्की। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा है, सेकुलर का मतलब कोई धर्म नहीं है, सोवरेन का मतलब हमारा इंडिपेंडेंट है कंट्री, और बाहर से किसी भी ताकत का कोई राज यहाँ नहीं चलता।